दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लाइफ इन मदीना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा विज़िट है वो एक ऐसी जगह का है जहां आज से 1400 साल पहले एक किला हुआ करता था, एक बहुत बड़ा और आलीशान किला हुआ करता था जिसके 8 मीनार थे और ऊंची ऊंची दीवारें थीं जिसको सर करना नामुमकिन था। और इसमें बहुत से कमरे थे जो खैमों की शक्ल में बने हुए थे और इसका सहन जो था वो बहुत कुशादा और मुरब्बे की शक्ल में था। यह किला काब बिन अल अशरफ नामी एक यहूदी का था जिसका ताल्लुक बनु नज़ैर से था। यह बनु नज़ैर का एक बाअसर सरदार था, यह एक शायर था और यह गुस्ताख़े रसूल भी था। इसने हर जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की और अपनी शायरी में यह मुसलमानों को बहुत बुरा भला कहता था, यहाँ तक के जो मुसलमान औरतें थीं उनके लिए बहुत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता था। अल्लाह के हुक्म से जब मुसलमानों को ग़ज़वे बदर में फ़तह हासिल हुई उसके बाद इसने कुफ्फारे मक्का के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दीं और अपने अशआर में, अपनी शायरी में मुसलमान औरतों के नाम ले लेकर बहुत गलीज़ और ग़लत और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने लग गया जो कि मुसलमानों के लिए अब बिल्कुल नाकाबले बर्दाश्त होता जा रहा था। एक हदीस के मुताबिक हज़रत जाबिर रदी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब बिन अशरफ यहूदी को कौन कत्ल करेगा, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुँचाई है। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इस बात को पसंद करेंगे कि मैं उसे कत्ल कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया, आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं उससे कुछ बात तारीफ़न कहूँ, ऐसी बात जिसका जाहिर कुछ और बताए और मकसूद कुछ और हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कह लें। फिर वो काब के पास गए और उससे गुफ्तगू की, अपने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़र्ज़ी बातें की और कहा कि यह शख्स हमसे सदकात लेना चाहता है और हमें मुसीबत में डाल रखा है। जब काब ने यह बात सुनी तो कहने लगा, अभी तो यह शख्स और तुम्हें मुसीबत में डालेगा। उन्होंने कहा, हम तो इनकी बैत कर चुके हैं और अब हमें इन्हें छोड़ना बुरा मालूम होता है, हत्ता कि हम देखें उस शख्स का मामला किस तरफ को जाता है। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ कर्ज दो। उसने कहा, तुम मेरे पास क्या चीज़ गिरवी रखोगे? उन्होंने फरमाया, जो कुछ तुम चाहो। काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम अपनी औरतें मेरे पास रहन रख दो, यानी कि गिरवी रख दो। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने फरमाया, तुम अरब के खूबसूरत तरीन आदमी हो, क्या हम अपनी औरतें तुम्हारे पास रहन यानी गिरवी रख दें? उसने कहा कि तुम अपनी औलाद मेरे पास गिरवी रख दो। उन्होंने कहा, इस तरह हमें बुरा भला कहा जाएगा, कुछ माल की खातिर हमने अपने बच्चों को गिरवी रख दिया, हम तुम्हें अपना असला गिरवी रख देते हैं। उसने कहा, ठीक है। और हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा ने वादा किया कि हारिस बिन अब्बास बिन जबर और इबाद बिन बशर, इन दोनों को लेकर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। फिर ये लोग उसके पास गए और रात को उसे बुलाया तो काब उनके पास जाने लगा तो उसकी बीवी ने कहा कि मुझे ऐसी आवाज़ आती है जैसे खून की हो। काब ने कहा, यह मोहम्मद बिन मसलमा और उनका रज़ाई भाई अबू नाइला हैं। मुअज़्ज़ज़ आदमी को अगर रात के वक्त भी नेज़ाबाजी की तरफ बुलाया जाए तो वो चला आता है। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया, जब वो आएगा तो मैं फौरी तौर पर उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊँगा और जब मैं उस पर काबू पा लूँ तुम उस पर हमला कर देना। जब काब नीचे आया उसने अपने सर को चादर से छुपाया हुआ था
उन्होंने कहा, हमें तुझसे खुशबू की तरह महक आती है। इसने कहा, मेरे पास फलां औरत है, वो अरब की सबसे ज़्यादा मुअत्तर औरत है। हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा ने फरमाया, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं खुशबू सूंघूं। काब ने कहा, इजाज़त है। उन्होंने इसका सर पकड़ा और इसको सूंघा। फिर उन्होंने दोबारा कहा, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं दोबारा तुम्हारे सर को सूंघूं। काब ने कहा, इजाज़त है। इसका सर मजबूती से पकड़ कर फरमाया, इस पर हमला कर दो। और इस तरह गुस्ताख़ रसूल को कत्ल कर दिया गया। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई गलती कोई कोताही हो तो उसे दरगुजर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। काम है।